दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बारिश के चलते ड्रैगन प्लांट के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने के साथ साथ बहुत मज़ेदार भी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप अपने ड्रैगन प्लांट को चाहे जमीन में लगाए हो या पॉट में लगाए हो, दोनों के लिए आपको तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर एक, अगर ज़्यादा बारिश हुई और बारिश का पानी प्लांट के नीचे जमा होके अगर दो तीन दिन तक रह गया तो प्लांट का रूट सड़ जाएगी और प्लांट मर जाएगा। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ड्रैगन प्लांट लगाते समय आप लोग मिट्टी के साथ थोड़ा रेत ज़रूर मिक्स करें, ताकि जब भी बारिश हो वो रेत बारिश की पानी को शोषण कर सके। और अगर फिर भी प्लांट के नीचे पानी जमी हुई है तो आप उसे छान के फेंक दीजिए। नंबर दो, प्लांट में अगर फ्लावर है और फ्लावर के अंदर बारिश का पानी अगर चला जाएगा तो क्या होगा, फ्लावर का सारे पॉलीग्रेन धुल जाएगा और फ्लावर का पॉलिनेशन ना होने की वजह से फ्रूट का साइज नहीं बनेगा और तो और फ्लावर झर भी सकता है। तो आपके प्लांट में अगर फ्लावर आई है और आपको लगता है कि बारिश के समय ही वो फ्लावर खिलेगा, तो आप एक प्लास्टिक की मदद से उस फ्लावर को ढक दीजिए ताकि बारिश का पानी उसके अंदर ना जा सके। नंबर तीन, अगर आपके प्लांट में कोई खरोच है या फिर आपने किसी ब्रांच को कट किया है, तो उस खरोच की जगह में अगर बारिश का पानी गिरेगी तो वहाँ पे फंगस लगने का चांसेस रहते हैं। तो खरोच में आप कोई भी फंगिसाइड लगा दो या फिर खाना बनाने के लिए जो हल्दी पाउडर का इस्तेमाल होता है आप उनका भी यूज कर सकते हो। इससे आपका प्लांट में फंगस नहीं लगेगा और आपका प्लांट बच जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी सवाल है तो कॉमेंट कीजिए और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए।